गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल ये रहता है कि ये ट्रेनिंग कैसे किया जाएगा, कंडक्ट कैसे होगा। तो इस बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। कुछ लोगों के मन में पहला सवाल ये रहता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे कैसे संभव होगा रोज उस जगह पे जाके ट्रेनिंग लेने के लिए। तो पहले चीज ध्यान में रखिए, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आपको कहीं भी जाने आने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर में, ऑफिस में, लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में, साइट पे, जहां पे भी आपको संभव है वहां पे आप कीजिए। पहला सवाल, तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है। दूसरा, ऑनलाइन ट्रेनिंग जब मैं कहता हूं तो लोगों के मन में प्रश्न आता है, तो क्या ये इस प्रकार से होगा कि हर दिन सुबह 7 से 8 बजे तक मुझे जूम लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल पे जूम या गूगल मीट खोल के उसके सामने मुझे 1 घंटा बैठना पड़ेगा, तो फिर मैं साइट पे कैसे जाऊंगा, ब्रेकफास्ट कैसे करूंगा, मेरा डे टू डे रूटीन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो उस बारे में भी चिंता मत रखो, ये असिंक्रोनस टाइप का ट्रेनिंग है। असिंक्रोनस ट्रेनिंग क्या होता है वो मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखिए, इसको इस प्रकार से समझिए कि ये पूरा प्रोग्राम आपके हिसाब से आप इसको पेसिंग कर सकते हैं, आप चाहे जब इसको अटेंड कर सकते हैं। ये कैसे होगा, बहुत आसान है। देखिए, जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, आपको सबसे पहले एक आएगी वेलकम मेल। वेलकम मेल में आपको पूरा करिकुलम मैं भेजने वाला हूँ। करिकुलम मतलब पूरे कोर्स में टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आपको हर दिन एक मेल अगर मैं भेजूं, हर दिन आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में भेजूं, हर दिन आपको एक पावर पॉइंट में भेजूं, तो क्या आप अटेंड कर पाएंगे? एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए 5 मिनट लगते हैं। तो एक दिन सुबह अगर आपको मैंने मेल भेजी, आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, उस डॉक्यूमेंट को दिन में उसके ऊपर विचार किया, तो आपके अंदर वो थ्योरी तो गई। अब दूसरे दिन मैंने आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू भेजा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सेट भेजा, एक मैंने 20 सवाल आपको भेज दिए, उसका एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं। अब वो एमसीक्यू आपको ईमानदारी के साथ में सॉल्व करना है। जो कल आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसके आधार पे आपको एमसीक्यू अटेंड करना है। 20 में से आपका स्कोर कितना आता है? यूजुअली 15 से 20 तक का स्कोर मस्त है। मतलब आपको जो कल आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा उसकी सब चीजें आपके अंदर चली गई। ये हो गया पहला मुद्दा। फिर कुछ 5 दिनों के बाद या 7 दिनों के बाद मैं आपको एक वीडियो पे लिंक भेजने वाला हूं। कौन सा वीडियो? तो मोस्टली जो थ्योरी आपने पिछले हफ्ते में की हुई है उसके ऊपर मेरा अपना एक वीडियो आपको भेजा जाएगा। वो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके उसकी लिंक आपके साथ शेयर करूंगा उस दिन। ध्यान में आया? तो वापस चलते हैं। आज अगर आपने कोर्स परचेस किया, दूसरे दिन आपको मेल मिलेगी, वेलकम मेल मिलेगी, उसके बाद में हर दिन एक के हिसाब से हर दिन एक डॉक्यूमेंट आपके पास में आएगा जिसको आपको पढ़ना है। उस थ्योरी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू अटेंड करना है। आए ध्यान में? उसका स्कोर कितना आता है? अगर 12 से कम स्कोर आता है आपका 20 में, तो फिर इसका मतलब है एक बार आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, दूसरे दिन का जो मेल आपके पास आता है उसको एक दिन रोक दीजिए, या मुझे बता दीजिए कि सर ये जरा 2 दिन बाद भेजिए,
वैसे हो जाएगा, आए ध्यान में। और 3-4 दिन 5 दिन के बाद आपको जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो सुनने के बाद में भी आपके मन में प्रश्न उठेंगे, प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी कोर्स में आगे आगे जाते हैं वैसा वैसा वैसे वैसे सवाल भी अपग्रेड होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप है, मेरा नंबर आपके पास में है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप मुझे तुरंत क्वेरी लिखिए, उसको उस दिन तक अपन सॉल्व कर देंगे। ओके, सो ये हो गया ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट होगा उसके बारे में सारे सवाल जवाब। और कोई सवाल आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा, ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट होगा, मुझे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में सारे सवाल मैंने आपके जवाब दे दिए। फिर भी कोई शंका है तो आप लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।